हेलो स्टूडेंट, आरबी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में मैं आपको आज वेक्टर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या क्वेश्चन है जरा सुनिए। सो द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइट्स ऑफ वेक्टर आर कोप्लेनर। माने मुझे ये सिद्ध करना है कि ये शो करना है कि ये जो वेक्टर है ट्राइट्स, ये जो तीन वेक्टर हैं, पहला ए एंड बी एंड सी, ये क्या है, ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर प्रूव करने के लिए देखिए क्या जरूरी होता है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। कोप्लेनर की शर्त क्या है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माने तीनों की गुणा स्केलर, अगर तीनों की हम तीनों की स्केलर फॉर्म में गुणा करें तो कैसा प्रोडक्ट आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, आएगा जीरो। देखिए तो हमने क्या करा, सबसे पहले ए लिखा, बी सी, ये हम इनका निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमने लिखा आई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखा हमने, हमने लिखा वन, हमने यहाँ से लिखा टू, यहाँ से लिखा वन, यहाँ से लिखा थ्री, यहाँ से लिखा टू, यहाँ से लिखा सेवन, ये लिखा फाइव, और लिखा सिक्स, और लिखा फाइव। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। वन वन लेंगे, ये लाइन गई, ये गई, 5 दूनी 10, 6 सत्ते 42, फिर माइनस का टू, ये लाइन गई, ये भी गई, 5 3 15 और 7 5 35, 15 माइनस 35, फिर प्लस का वन, ये वन होता है, ये बीच वाला माइनस होता है, ये माइनस है तो जाहिर है ये बन आएगा, प्लस का आएगा वन, मतलब प्लस का ही तो होता है लास्ट, बीच वाला लेते हैं माइनस का। तो अब ये क्या, ये वाले गया लाइन, ये लाइन गई, अब प्लस का होता है चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये लाइन देखिए, 6 3 18, ये 6 3 18, 5 2 10, अब देखिए ये आया आपका 32, 32 बचा, ये आपका बचा 10, 10 बचा, 20 बचा, 20 दूनी 40, तो 40 का एक हो गया प्लस का, और यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8, माइनस का 8 बचा, तो देखिए ये भी 40 हो गए और ये भी 40 हैं, तो ये क्या देंगे, ओवरऑल जीरो। इसका मतलब हैंस राइट्स हैंड्स ट्राइट्स ऑफ वेक्टर, ट्राइट्स ऑफ वेक्टर आर कोप्लेनर। प्रूव हो गया कि ये कोप्लेनर है। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है ए बी सी, लिखेंगे -4 -6 -2, -4 -6 -2 -1 4, और यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ से लिखेंगे 8, यहाँ -1 और यहाँ 3। आप देखिए कैसे करेंगे, 4 आएगा, ये लाइन हटा देंगे, 12 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 एकम 3, फिर आएगा 6, ये लाइन गई, तो लिखेंगे 3 एकम 3, ये और ये हटा देंगे, 3 एकम 3 और 8 3 24, फिर ये लिखेंगे, ये लाइन 1 एकम 1, 8 चौक 32, ये बचे 15, 12 3 15, 15 चौका 60, ये बचे आपके 21, 21 बचे, 21 बचे, 21 लिख देंगे,
ये बचे दो, ये हो गए 33, ये हो गए 66, 66, ये हो गए 60, ये हो गए 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये जोड़ देंगे इन्हें, माइनस के हैं दोनों तो 6 आ जाएगा, 6 6 12, ये हो गए 126, प्लस माइनस हैं कैंसिल, तो लिख देंगे हेंस ट्राइड्स ऑफ वेक्टर आर, ट्राइड्स ऑफ वेक्टर आर को प्लेनर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, अगला है -2 3 -2 3 -2 3 -4, फिर है 1 माइनस 3 1 माइनस 3 5, 1, ये लाइन हम हटा देंगे, 6 5 3 15 और 4 3 12, फिर लिखेंगे 2, ये लाइन हटा देंगे, ये हटा देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, फिर लिखेंगे 3, ये लाइन 3 दूनी 6 -3, ये बचे 3, ये बचे 6, 6 दूनी 12, ये बचे 3, 3 3 9, 9 3 12 -12 = 0। हैंस ट्राइड्स ऑफ वेक्टर आर को प्लेनर। तो कभी भी अगर वेक्टर दिए हैं 3 और को प्लेनर निकालने को आ जाए, को प्लेनर का मतलब एक समतल में हो, एक समतलीय, मैंने तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में पड़े हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि, या दिखाइए, शो करिए कि ये तीनों को प्लेनर वेक्टर हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे इनका, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा, या ये प्रूव हो जाएगा, या ये शो हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। थैंक यू वेरी मच।